खबर छतरपुर से है, जहां शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत ग्राम गठेवरा में ढाई माह पूर्व दसवीं कक्षा की छात्रा ने ब्लैकमेलिंग के कारण आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके इलाज के दौरान जिला चिकित्सालय में मौत हो गई थी। मामले में पुलिस द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से आज मृतका के पिता दौलत सिंह ने पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा को ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। लड़की के पिता ने मृतका के बयान का एक वीडियो मीडिया को देते हुए बताया कि बेटी दसवीं कक्षा की छात्रा थी, जो ग्राम चंद्रपुरा के हाई स्कूल में अध्ययनरत थी और अपनी सहेली सोली राजा के साथ स्कूल आया जाया करती थी। दोस्ती का फायदा उठाते हुए बेटी की सहेली सोली राजा ने उसका एक अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया था और ब्लैकमेलिंग करने लगी थी। मृतका के पिता दौलत सिंह ने बताया कि सोली राजा द्वारा लगातार चार अन्य आरोपियों, जो कि आयुष राजा, कमलेश पटेल सोली राजा एवं श्रवण कुमार अग्निहोत्री चंद्रपुरा हाई स्कूल में अध्यापक हैं, इनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार ब्लैकमेलिंग करते हुए दबाव बनाया जा रहा था और मना करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी जा रही थी, जिससे प्रताड़ित होकर मेरी नाबालिग बेटी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं मृत्यु पूर्व अपने बयान में भी सभी आरोपियों के नाम लिए हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मृतका के परिजनों पर राजीनामा का दबाव भी बना रहे हैं। उपरोक्त गंभीर मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि मामले में मर्ग कायम है और पीड़ित परिवार के कथन के आधार पर आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विराट 24 के लिए छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। बच्ची खत्म हो गई थी। कैसे खत्म हो गई थी, क्या करना? परेशान कर रहे थे, एक मोड़ी थी, तीन लड़के। कैसे परेशान करते थे? वीडियो था उनके पास, सॉरी के पास वीडियो बना लाते थे, इतनी सहेली सोली होकर तो वीडियो था इनके पास, सॉरी के पास, तो परेशान करती थी कि पैसा भी दो, इन तीन लड़कों से बात करो, नहीं तो हम तुम्हारा मोबाइल पे बोका देंगे, धमकी देते थे। धमकी देते थे। कब से इनके पास, कब से इनकी सहेली बनी, कैसे बनी? वो स्कूल आती थी, चंदपुरा पे स्कूल है, हाई स्कूल, दसवीं में पढ़ती थी, एक साल से साथ में आती थी, साथ में जाती थी। उनका कहना था कि दो माह लगभग उनकी बेटी के डेथ को हो गया है, उसने सुसाइड किया था और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। आवेदन हमने देख लिए है, गंभीर मैटर है, तो इसमें मर्ग ऑलरेडी कायम है और फैमिली को जो स्टेटमेंट रहेंगे और जो साक्ष्य और तथ्य आएंगे, इस अनुसार जल्दी इसमें कार्रवाई करें। सर, बच्चे में माते समय कुछ बयान बाजी भी थी? डायरी मैंने देखी नहीं है, चूँकि अभी पीड़िता के पेरेंट्स आए थे, मैं उस आधार में बता रहा हूँ आपसे।